हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ASP.NET के अंदर, वो है कैसे हमने जो है एक फ्लोटिंग सोशल आइकॉन्स जो है वो इम्प्लीमेंट करने हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो काफ़ी आजकल जितनी भी वेबसाइट्स आप इंटरनेट पे देखते हैं, उन सभी में जो है फेसबुक का पेज का लिंक, ट्विटर के पेज का लिंक और इंस्टाग्राम के पेज का लिंक जो है दिया होता है। तो इस एग्जांपल के अंदर हम काफ़ी जो है एनिमेटेड जो है आइकॉन्स को डिस्प्ले करवाने के लिए जो मेथड है वो यूज़ करेंगे। तो इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं, काफ़ी आज की वेबसाइट जितनी भी हैं इंटरनेट के ऊपर, उनमें यूज़ किया जाता है। तो चलिए, ये वाली जो रिक्वेस्ट है, ये भी हमें किसी हमारे ही चैनल के मेंबर ने हमें ईमेल करके रिक्वेस्ट की थी कि आप इस तरीके की एग्जांपल जो है डेवलप कीजिए, जिसमें हम जो है फ्लोटिंग आइकॉन जो है, सोशल आइकॉन जो हैं, वो इम्प्लीमेंट कर पाएँ अपनी वेबसाइट के अंदर। तो चलिए, ये मेरे पास एक रनिंग लाइव एग्जाम्पल है। पहले मैं इसकी आपको वर्किंग बता देता हूँ, फिर उसके बाद में आपको बताऊँगा कैसे आप बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ CSS और Google API की जो सॉरी Google CDN के थ्रू जो फॉन्ट है, जो डिफरेंट तरीके के फॉन्ट है, उनको यूज़ करके जो है आप फ्लोटिंग आइकॉन्स जो है सोशल नेटवर्किंग साइट्स के, वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हेडिंग से आपको पता चल ही गया है कि ये वाली जो एग्जाम्पल है ये किस टॉपिक के रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे तीन तरीके के आइकॉन आप देख रहे हैं। एक है ट्विटर का आइकॉन, एक है फेसबुक का आइकॉन, एक है इंस्टाग्राम का आइकॉन। तो जैसे ही आप इस किसी भी आइकॉन के ऊपर कर्सर लेके आते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मेरे पास लिंक डिस्प्ले हो रहा है। और जैसे ही मैं इस ट्विटर के ऊपर क्लिक करूँगा, तो मेरा जो है जो ट्विटर वाला वेब पेज है वो ओपन हो जाएगा, जिसका लिंक हमने दिया होगा इसके अंदर। तो अभी मैंने जो है अपने पेजेस की जो लिंकिंग है वो नहीं की, मैंने डायरेक्टली जो है ट्विटर का जो वेबसाइट का पेज है वो लिंक किया है, इसके साथ मैंने फेसबुक का पेज लिंक किया है, और इसके साथ मैंने जो है इंस्टाग्राम का जो पेज है वो लिंक किया है नॉर्मल वेबसाइट। तो आपके जो भी URL होंगे आपके पर्टिकुलर अकाउंट के, वो आप इन तीनों आइकॉन्स के साथ जो है लिंक कर सकते हैं। और इसी तरीके के और भी जो आइकॉन्स हैं वो आप डेवलप कर सकते हैं, जैसे YouTube का आइकॉन और भी जितने आप यूज़ करते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर अपने अकाउंट्स। तो चलिए, ये फ्लोटिंग सोशल आइकॉन है, इसको कहते हैं फ्लोटिंग सोशल आइकॉन। और जैसे ही मैं कर्सर किसी भी आइकॉन के ऊपर लेके आता हूँ, तो आप देख सकते हैं वो आइकॉन जो है रोटेट भी कर रहा है और फ्लॉट भी कर रहा है। तो इस तरीके का जो आइकॉन्स है वो काफ़ी इजी है अपनी वेबसाइट के अंदर डेवलप करना, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इससे आपकी एक तो स्पेस जो है वो कम हो रही है, और साथ में जो आपके आइकॉन्स है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो चलिए, अब हम देखेंगे इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं आपने कैसे डेवलप करनी है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं, एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे न्यू, अब यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वेबसाइट। अब आपने यहाँ पे जो है सिलेक्ट करना है Visual C#, यहाँ से ASP.NET MT वेबसाइट। अब आप चाहें तो यहाँ पे जो है अपने जो फोल्डर का पाथ है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसा फोल्डर जिसके अंदर आपका सारा जो सोर्स कोड है आज की एग्जांपल का वो सेव होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ सोशल फ्लोटिंग आइकॉन्स इन ASP.NET। तो चलिए, ओके के ऊपर क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जो मेरी जो मेरा प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर। अब हम इस प्रोजेक्ट नेम के ऊपर राइट क्लिक करेंगे माउस की हेल्प के साथ, और ऐड करेंगे ऐड न्यू आइटम। और इस डायलॉग बॉक्स में से आपने सबसे पहले सेलेक्ट करना है Visual C#। अब आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है एक वेब फॉर्म, जो कि होगा एक ब्लैंक वेब फॉर्म। इसी ब्लैंक वेब फॉर्म के ऊपर हम अपनी वेब पेज की जो डिज़ाइनिंग है वो करेंगे, और साथ में जो है कोडिंग अप्लाई करेंगे। तो चलिए, आप चाहें तो यहाँ पे जो है वेब फॉर्म का जो नेम है वो असाइन कर सकते हैं, मगर मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, मेरा जो ब्लैंक वेब फॉर्म है वो क्रिएट हो चुका है। तो चलिए, आपने
डिज़ाइन के अंदर जाना है, और डिज़ाइन के अंदर आप यहाँ पे भी जो है डायरेक्टली जो है लेबल्स को यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं आज जो है जो मेथड यूज़ करूँगा कोडिंग के लिए वो होगा सोर्स के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सारे वेब फॉर्म का जो सोर्स है वो दिया हुआ है। अब आपने कोडिंग कैसे करनी है, तो कोडिंग करने के लिए आप देख सकते हैं मेरे पास एक ऑलरेडी एक टेक्स्ट फाइल है जिसमें मैंने कोडिंग कर रखी है। तो ये जो टेक्स्ट फाइल है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप सभी को, आप इनको जो है ईजिली जो है यूज़ कर पाएंगे अपने जो है प्रोजेक्ट्स के अंदर डायरेक्टली। तो बहुत ही सिंपल आपके लिए ये कोडिंग है, आपको ज़्यादा कोडिंग जो है समझने की ज़रूरत नहीं है। CSS की जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड कोड है इसी को आपने अपने वेब पेज के अंदर यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपने जो भी आपके CDN है जैसे कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जो फाइल्स हैं वो हमने यूज़ की है, तो सबसे पहले इस कोड को कॉपी करेंगे। ये वाला जो कोड है इसको कॉपी करना है आपने, और इसको जो है पेस्ट कहाँ पर करना है, जहाँ पर भी आपका टाइटल टैग जो है क्लोज हो रहा है, उसके बाद हेड टैग जो क्लोज हो रहा है उससे पहले आपने इसको पेस्ट कर देना है। तो ये बेसिकली जो है एक मेटा टैग यूज़ किया है, यहाँ पे व्यू पोर्ट के बारे में बताया है जिसकी विड्थ जो है आपकी डिवाइस के अकॉर्डिंगली होगी और जो इनिशियल स्केल होगा वो 1 होगा। और उसके बाद में हमने गूगल APIs का जो CDN है वो यूज़ किया है, और एक फॉन्ट को जो CSS है उसको रिट्रीव किया है, उसके बाद में एक फॉन्ट और CSS है उसको भी हमने रिट्रीव किया है बूटस्ट्रैप के CDN के थ्रू। तो चलिए ये कोडिंग इस तरीके की ऐसे ही रहेगी। आप इसके बारे में अगर और थ्रेटिकल नॉलेज चाहते हैं तो इनको आप गूगल पे सर्च करके जो है फाइंड आउट कर सकते हैं इनके बारे में। तो चलिए आगे जो कोडिंग आपने करनी है वो करनी है इस डिवीज़न टैग के अंदर। तो इस डिवीज़न टैग के अंदर मैंने जो है जो दो लेबल्स हैं वो यूज़ किए हैं, तो इन दोनों लेबल्स को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो चलिए इन लेबल्स को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो चलिए आप चाहें तो डिज़ाइन में जाकर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो है दोनों जो है लेबल्स जो है आ चुके हैं मेरे वेब फॉर्म के ऊपर। तो ये लेबल्स वाली कोडिंग जो है वो आपने पेस्ट करनी है। अब हमने जो है CSS की कोडिंग करनी है, तो CSS की कोडिंग भी जो है प्री बिल्ट ही है, पहले से बनी हुई है। आपने डायरेक्टली ये वाली टेक्स्ट फाइल जो है हमारे जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है, और जो स्टाइल वाला टैग है सारे टैग को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो है आपने यहाँ पे कॉपी कर लेना है इस फाइल को पूरी CSS की कोडिंग को, और इसको जो है हेड टैग जहाँ पे भी आपका क्लोज हो रहा है उसके बाद आपने इसको पेस्ट करना है। यहाँ पे आप पेस्ट कर दें इसको, तो आप चाहें तो इसको जो है हेड टैग के अंदर भी पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको हेड टैग के अंदर ही पेस्ट कर देते हैं। तो ये मेरा स्टाइल टैग भी जो है वो आ चुका है वेब फॉर्म के ऊपर। तो सारी कोडिंग हमने जो है पेस्ट कर दी है। तो चलिए आप डिज़ाइन में अगर आप देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन की जो लुक है वो भी चेंज हो चुकी है। तो चलिए अगर आप यहाँ पे जो है अपना जो इसका कलर है वो चेंज करना चाहते हैं, जैसे ब्लैक कलर आप करना चाहते हैं, तो आपके पास अगर फोटोशॉप है उसके अंदर कलर पिकर जो आपका कलर पिकर होता है उसके अंदर जाइए, तो यहाँ पे आप हैश वैल्यू जो है वो यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए इस हैश वैल्यू को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और इसको जो भी हमारा सोर्स है उसके अंदर जाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड हमने लिखा हुआ है ये बैकग्राउंड कलर के लिए, और जो टेक्स्ट का कलर है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कलर के अंदर। तो यहाँ पे जैसे ही मैं पेस्ट कर दूंगा हैश वैल्यू, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लैक हो चुका है। अगर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से जैसे मैंने ग्रीन कलर को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे इस कलर को कॉपी करूँगा मैं यहाँ से, और इसे आप हैश टैग को जो है अपने सोर्स के अंदर जो है यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे पेस्ट करके एक बार बता देता हूँ बैकग्राउंड कलर। तो चलिए यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और जैसे डिज़ाइन के अंदर जाऊँगा आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे बॉडी के अंदर जो इसका बैकग्राउंड कलर है, जो इसका कलर है, और जो इसका फॉन्ट फैमिली है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब हमने जो कोडिंग करनी है वो करनी है बेसिकली जो आपके फ्लोटिंग आइकॉन्स हैं उनको डिस्प्ले करवाने के लिए। तो उसके लिए ये वाली कोडिंग को कॉपी करेंगे यहाँ से, जो भी आपका डिवीज़न टैग है इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, और इसको यहाँ पे भी आपका डिवीज़न टैग जो है बंद हो रहा है उसके बाद आपने इसको जो है पेस्ट करना है। तो चलिए इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक नैब जो कंपोनेंट है बूटस्ट्रैप के अंदर वो यूज़ किया है। तो बूटस्ट्रैप की जो बेसिकली यहाँ पे जो है जो फाइल्स हैं वो हम डिक्लेयर कर सकते हैं ऊपर, तो वो भी मैं बता दूंगा बूटस्ट्रैप की फाइल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं।
तो चलिए यहाँ पे बूटस्ट्रैप की जो कोडिंग है वो यहाँ पे दी हुई है, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। और जेक्वेरी की जो कोडिंग है इसी के अंदर है, तो उसको हमने जो है जहाँ पे भी आपका जो स्टाइल टैग शुरू हो रहा है उससे पहले आपने यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। तो चलिए इस कोडिंग को भी हमने पेस्ट कर दिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ जो कोडिंग हमने यहाँ पे यूज़ की है उसमें जो क्लास यूज़ की है CSS की, वो की है सोशल। और इसके अंदर हमने UL टैग और LI टैग को यूज़ किया है। और यहाँ पे आप जो है अपने ट्विटर का जो अकाउंट का जो वेब पेज का जो लिंक है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे फेसबुक का जो लिंक है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे जो है इंस्टाग्राम का जो आइकॉन है वो यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ पे हमने जो है बूटस्ट्रैप के ग्लिफ आइकॉन्स होते हैं उनको यूज़ किया है, यहाँ पे फेसबुक का जो ग्लिफ आइकॉन है उसको यूज़ किया है, यहाँ पे हमने जो है इंस्टाग्राम का जो ग्लिफ आइकॉन है उसको यूज़ किया है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे जो है अपने सोशल जो आइकॉन्स हैं, फ्लोटिंग आइकॉन्स हैं, उनकी जो कोडिंग है यहाँ पे आपने पेस्ट करनी है। और चलिए यहाँ पे अगर आप डिज़ाइन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार इसको रन करके मैं बता देता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स मेरा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास जो है यहाँ पे आइकॉन्स आ चुके हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं और सोर्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आपका जो डिवीज़न टैग है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको जो फॉर्म टैग है उसके बाहर पेस्ट करते हैं और इसको फिर एक बार दोबारा से रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास जो है आइकॉन्स थोड़ा सा जो है डिफरेंट आ रहा है। तो इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, अपनी कोडिंग को एक बार चेक कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स थोड़ी सी कोडिंग में गड़बड़ी है, तो चलिए ये वाली कोडिंग जो लास्ट में हमने कॉपी पेस्ट की थी इसको डिलीट कर देते हैं, और जो आपकी टेक्स्ट फाइल है उसमें से भी मैं ये वाली कोडिंग जो है इसको रिमूव कर देता हूँ, उसका कोई भी पर्पस नहीं है। तो चलिए अब हम जो है हमारा डिज़ाइनिंग वाला पार्ट जो है रेडी है, कोडिंग भी रेडी है, तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट हमारा जो है रन हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सोशल आइकॉन जो है वो आ चुके हैं। जैसे ही मैं कर्सर इसके ऊपर लेके जाऊँगा आप देख सकते हैं जो आइकॉन्स हैं वो फ्लोट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इनका जो जैसे यहाँ पे जो टॉप मार्जिन है इसको आप थोड़ा सा इन तीनों आइकॉन्स को नीचे करना चाहते हैं वेब पेज के अंदर, तो आपको कौन सी कोडिंग चेंज करनी पड़ेगी वो आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो है सोशल जो CSS वाली फाइल है उसके अंदर यहाँ पे जो है टॉप लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं 200 कर देता हूँ। और जैसे इसको दोबारा से रन करते हैं 200 पिक्सल करके, तो इसका जो टॉप मार्जिन है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा और आइकॉन जो है हमारे पेज के सेंटर में डिस्प्ले होंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स स्टूडेंट्स आप जो है अपने सोशल आइकॉन्स जो है वेब पेज के अंदर जो है डिस्प्ले करवा सकते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। सभी वेबसाइट्स के अंदर जो है इस तरीके के आइकॉन्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, मगर आज हमने जो आपको टॉपिक बताया उसमें जो है आइकॉन्स जो है फ्लोट करते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में लग चुकी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर इस वीडियो को किसी फ्रेंड या स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप फेसबुक के थ्रू शेयर कर दें। मैं थैंक्स करना चाहता हूँ उन मेरे सभी मेंबर्स का जिन्होंने ये वाली एग्जाम्पल जो है हमें ईमेल करके रिक्वेस्ट की। इसी तरीके से अपने आइडिया जो है हमारे साथ शेयर करते रहिए और इसी तरीके से हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए और प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।